हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल INDी प्लस में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पे क्रेडिट ऑन कार्ड वाले ऑप्शन की, क्योंकि दोस्तों फाइनली मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन रिसीव हुआ जहाँ पे गाइस मुझे बताया गया कि मैं जो है भारत पे के जो क्रेडिट ऑन कार्ड वाले ऑप्शन के लिए एलिजिबल हूँ, मैं इसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। अगर गाइस आप लोग भी इसको एक्टिवेट करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है भारत पे का क्रेडिट ऑन कार्ड वाला जो फीचर है इसे एक्टिवेट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं, क्या प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस गाइस आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए। तो फाइनली गाइस जो है मुझे यहाँ पे भारत पे की तरफ से एलिजिबल बताया गया और मुझे 25,000 रुपये तक यहाँ पे लिमिट दिखाई गई। ठीक है जी, तो अभी मैं इसको फाइनली एक्टिवेट करने वाला हूँ। यहाँ पे देखने वाले हैं क्या हमें कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है या फिर नहीं देना पड़ता, क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही भारत पे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि भारत पे कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पे भी आपको बैनर पे नहीं मिलता तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो भारत पे कार्ड का ऑप्शन आ रहा है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो गाइस, अगर आपने भारत पे एक्स्ट्रा इनकम कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर रखा था तो आपका जो है डेबिट ऑन कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे नीचे आप लोगों का कोई बैलेंस होगा तो वो भी बता दिया जाएगा कि आपके अकाउंट पे इतना बैलेंस है या फिर आपका इतना कैशबैक मिला हुआ है। तो ये हो गया हमारा जो है डेबिट ऑन कार्ड, यानी कि हमारे जो भारत पे इंटरेस्ट अकाउंट में जो भी अमाउंट होता है हम वो इस कार्ड से यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी डेबिट कार्ड का मतलब ये हो गया कि आप जो भी इसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस रखे हुए हैं वो आप लोग इस कार्ड से यूज कर सकते हैं। आप लोग जो है इस कार्ड से और कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता तो आप लोग फिर नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे गाइस आप लोगों को जो है मास्टर कार्ड दिया जाता है, अगर आप लोगों ने जो है पहले से ही एक्स्ट्रा इनकम कार्ड ले रखा होगा तो मास्टर कार्ड आपको SBI बैंक का या फिर HDFC बैंक का मिला होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया दोस्तों जो है डेबिट ऑन कार्ड, जो कि एक डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे क्रेडिट ऑन कार्ड की। तो चलिए हम जो है यहाँ पे क्रेडिट ऑन कार्ड वाले पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस जो क्रेडिट ऑन कार्ड वाला ऑप्शन है जहाँ पे गाइस बताया गया कि भैया आपको जो है 25,000 रुपये तक लिमिट मिल जाती है, जो कि भारत पे कार्ड पे ये अवेलेबल है। ठीक है, आपको जो कार्ड मिला है आप उसको जो है डेबिट एंड क्रेडिट मोड दोनों पे ही यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 0% लगता है भैया इस कार्ड पे, आप जो है इसको डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड दोनों की तरह यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री में क्रेडिट ऑन कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें जो है नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया गया है कि भैया हम जो है इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू का ऑप्शन भी आ रहा है, जिस पे गाइस आप लोगों को फ्री क्रेडिट ऑन कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, 0% लगता है जी आपको इस पे। ठीक है जी, आप इसको डेबिट एंड क्रेडिट मोड पे दोनों पे यूज कर सकते हो, यानी कि आपके जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है और आपने इसकी जो क्रेडिट लिमिट एक्टिवेट कर रखी है, यहाँ पे जो आपको लिमिट मिलती है आप उसको भी इस कार्ड से ही यूज कर सकते हो। यानी आपका जो है कार्ड एक ही रहने वाला है लेकिन ये काम करेगा दो तरीके से, डेबिट कार्ड पे भी और क्रेडिट कार्ड पे भी। तो चलिए दोस्तों इसको एक्टिवेट करके देखते हैं। यहाँ पे जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं गाइस जो कि क्रेडिट ऑन कार्ड ऑफर यहाँ पे बता दिया गया है और ऊपर देख सकते हैं मेरा नाम आ गया, जहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया जी कि मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे गाइस मैं जो है 1,000, 2,000 या 5,000 के लिए नहीं, यहाँ पे जो है पूरे के पूरे 25,000 रुपये के लिए मैं एलिजिबल हूँ, जो भारत पे की तरफ से क्रेडिट ऑन कार्ड पे जो लिमिट दी जाती है। ठीक है जी, अब ये हो गया दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमारा जो ये अप्रूव पड़ा है, हमें यहाँ पे अभी तक कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना नहीं पड़ा, हमारी अपने आप ही लिमिट निकल के आ गई है। उसके बाद गाइस अगर आप लोग इसकी जो है कुछ ज़्यादा डिटेल चाहते हो तो यहाँ पे मोर वाला ऑप्शन आ रहा है, जहाँ से आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिटेल यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है जी, कहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, कब आपका बिल जनरेट होता है, यहाँ पे गाइस आप लोगों को जो है पूरी डिटेल बता दी जाती है। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो। मंथली आपका बिल जनरेट होता है, यानी 1 तारीख को बिल जनरेट हो जाएगा, हर महीने के 1 तारीख को बिल जनरेट हो जाएगा और 5 तारीख तक आपको इसको रीपेमेंट करनी होगी। यहाँ पे गाइस आपको जो है 1 महीने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि 1 तारीख को बिल जनरेट होता है तो 5 तारीख को इजीली हर पे लेटर की, यानी हर क्रेडिट कार्ड जैसे पे लेटर सर्विसेज जो एप्लीकेशन देती हैं तो उनको ज़्यादातर जो है 5 तारीख की ही रीपेमेंट होती है। ठीक है जी, यहाँ पर 40 लाख से प्लस इसके ऑफलाइन ऑनलाइन जो मर्चेंट हैं यहाँ पर कहीं पे भी आप लोग इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो कार्ड है गाइस हर जगह आपका एक्सेप्टेड रहेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं एक्सेप्टेड नहीं रहेगा, बिल्कुल आप लोग जो है क्रेडिट कार्ड की तरह इसको यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसके बाद गाइस हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है,
हमारी लिमिट अपने आप यहाँ पे निकल के आ गई, ये भी नहीं है कि हमें यहाँ पे अपनी जो है लिमिट वेरीफाई करवानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद चलिए कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे भैया, इसकी टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगे, यहाँ पे वेलकम बताया जाएगा आपको, ठीक है जी। यहाँ पे आपके नंबर पे 4 डिजिट का OTP सेंड कर दिया गया है, वो OTP आपको यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए जी, मुझे OTP रिसीव हो गई, मैं OTP यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोग जो है OTP एंटर करेंगे। OTP आप लोग जैसे ही एंटर करेंगे, इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो अपने आप ही यहाँ पे एक्सेप्ट रहेंगे, आपको एक्सेप्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। OTP एंटर करने के बाद चलिए कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जी, आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि भैया आपकी जो क्रेडिट ऑन भारत पे कार्ड की लिमिट है इतनी आपको रजिस्टर करना होगा ई-नैच, ठीक है जी। यानी आपको जो है ऑटो डेबिट अपने अकाउंट से लगाना होगा जब आपकी ये क्रेडिट लिमिट एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर अगर बाद में भी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है यहाँ डू लेटर पे क्लिक करके बाद में भी नैच रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी एक ऑफ़र भी चल रहा है, जहाँ पे आप लोगों को हो सकता है 100 रुपये तक कैशबैक भी मिल जाए अगर आप लोग जो है नैच साइन कर लेते हैं तो, यानी कि ऑटो डेबिट यहाँ पे लगा देते हैं तो हो सकता है 100 रुपये तक कैशबैक भी मिल सकता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे जो है नैच साइन करने वाले हैं, क्योंकि बाद का कोई भी पता नहीं है। हो सकता है गाइस अगर हम बाद के लिए करें तो यहाँ पे हमारी लिमिट ही कुछ फंस जाए, या अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो चलिए गाइस यहाँ पे जो है मैं ऑटो डेबिट अपने अकाउंट से लगा देता हूँ, यानी कि ई नैच साइन कर लेता हूँ। यहाँ रजिस्टर नाउ वाले पे क्लिक करेंगे, आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी जो नैच की डिटेल है वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है जी। यानी कि आपकी जो है जो ऑटो डेबिट की स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लोन अमाउंट वगैरह आ जाएगा, ओके गाइस, कि मैक्सिमम आपको इतनी लिमिट वगैरह मिली है, मतलब यही सब डिटेल आ जाएंगी। आपका जो है जो भी भारत पे से अकाउंट लिंक है वो अकाउंट भी आ जाएगा गाइस यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस ऑटो डेबिट के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला ऑप्शन आप जो है नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आप जो है डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास जो है नेट बैंकिंग नहीं है तो आप डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, यदि आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं डेबिट कार्ड से अपनी जो है ई नैच यहाँ पे साइन कर लेता हूँ, ठीक है। डेबिट कार्ड मैंने सेलेक्ट करा, सबमिट पे क्लिक कर दिया, ओके जी। मैं डेबिट कार्ड से यहाँ पे फटाफट से हो जाएगा, कोई भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने जो है डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इस पेज को ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पे पेज ओपन हो गया गाइस, यहाँ पे हमें जो है अपनी कार्ड की डिटेल डालनी होगी, यानी कि जो डेबिट कार्ड की नंबर वगैरह यहाँ पे सभी चीज़ें डालना होगा, ठीक है जी। तो अगर आप नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो वहाँ पे नेट बैंकिंग की यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के बहुत आसानी से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके जो है ऑटो डेबिट लगा सकते हो। यहाँ पे गाइस मैं जो है डेबिट कार्ड से अपना ई नैच साइन करूँगा, तो मैं जो है कार्ड होल्डर नेम, कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट, ये सभी चीज़ें यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें एंटर कर दिया, उसके बाद जो है इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने कन्फर्म वाला ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। आप लोग जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके जो डेबिट कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, यानी कि आपके जो भी बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक 1 टाइम पासपोर्ट यानी कि OTP भेजा गया, ओके गाइस। तो आप लोग जो है यहाँ पे OTP एंटर कर देंगे, उसके बाद आपके सामने जो है टर्म एंड कंडीशन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो 2 टिक बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप लोग जो है दोनों को यहाँ पे टिक करना होगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने जो है दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे फाइनली आपको इसको अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे अप्रूव एंड रिजेक्ट के 2 ऑप्शन आते हैं, तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना, आपको यहाँ पे अप्रूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए गाइस यहाँ पे जो है अप्रूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी। तो ये फिर से यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हमारा जो ई नैच है वो यहाँ पे साइन हो रहा है। तो यहाँ पे गाइस ई नैच साइन होने में 1-2 मिनट का टाइम लग सकता है, जैसा कि देख सकते हैं मेरा जो ई नैच है वो सक्सेसफुली साइन हो गया, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारी जो फाइनली लिमिट है वो निकल के आने वाली है, तो यहाँ पे हम वेट करते हैं। तो जैसा कि गाइस ये देख सकते हो, ये हो गया हमारा जो है भारत पे का क्रेडिट ऑन कार्ड जो एक्टिवेट हो गया, जिस पे हमें 25,000 रुपये की लिमिट मिल गई। एक्स्ट्रा इनकम जो कार्ड आपको दिया जाता था उसी को क्रेडिट ऑन कार्ड पे कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है जी। अगर आप इसकी क्रेडिट लिमिट यूज करना चाहते हो तो आप लोग जो है इसको क्रेडिट ऑन कार्ड पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपके जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कुछ बैलेंस है तो आप लोग जो है डेबिट ऑन कार्ड के मोड पर यूज कर सकते हो, ठीक है जी। अगर आपको ये क्रेडिट लिमिट यूज करनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी ये जो है डेबिट मोड पे सेलेक्ट है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है क्रेडिट मोड पे
सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मैंने जो है इसको क्रेडिट ऑन कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस आपका जो है 25,000 रुपये की लिमिट बताई जाएगी, आपका नाम बता दिया जाएगा और आपके कार्ड के कुछ डिटेल यहाँ पे दे दी जाएगी। ठीक है जी, जैसे लास्ट के कुछ डिजिट वगैरह आपको बता दिए जाएंगे। ओके गाइस, तो ये हो गया गाइस हमारा जो है भारत पे एक्स्ट्रा इनकम डेबिट कार्ड, जो कि अब मिल गया हमें जो है क्रेडिट ऑन कार्ड। ये बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड की तरह है गाइस, तो आप लोग जो है इसको यूज करिए। इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है आप लोगों को इस कार्ड पे, जो कि 30 दिन का रिपेमेंट का टाइम मिल जाता है, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है जी, 1 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है और 5 तारीख को रिपेमेंट करनी होती है। यहाँ पे गाइस हमने जो है पूरा प्रोसेस लाइव करके देखा, जिसमें गाइस हमें कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं करना पड़ा। सिर्फ यहाँ पे हमें जो है एक चीज़ करनी पड़ी, वो है ई नेच, यानी ऑटो डेबिट हमें यहाँ पे लगाना पड़ा। ओके गाइस, यहाँ पे ना तो हमसे आधार कार्ड पूछा गया, ना ही हमारा पैन कार्ड पूछा गया, ना ही और कोई डिटेल पूछी गई, ना ही वर्किंग की डिटेल, एम्प्लॉयमेंट की डिटेल, कुछ भी नहीं पूछा गया यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ हमारा जो है हमसे ई नेच साइन करवाया गया और हमें पहले ही बता दिया गया कि आप इतनी लिमिट के लिए एलिजिबल हो जी, आप जो है इसको एक्टिवेट कर लो। तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, अगर आपको जो है ये ऑप्शन मिल चुका है तो आप उसको ऐसे ही बहुत आसानी से एक्टिवेट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के। आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, कोई भी सैलरी स्लिप नहीं देना, यानी कोई भी एम्प्लॉयमेंट डिटेल ही नहीं देना आपको। तो आपको सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग जो है इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो अब आती है बात गाइस इसको यूज करने की, तो आप इसको कहीं भी यूज करो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी यूज करो, आप हर जगह इसको यूज कर सकते हो, हर जगह ये एक्सेप्टेड रहेगा। बाकी गाइस अगर आप लोग जो है इसकी लिमिट को एटीएम वगैरह से विड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग इसको एटीएम पे विड्रॉ करोगे तो आपको जो है चार्जेस लगेंगे। आप हालांकि विड्रॉ तो कर पाओगे, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड पे जो चार्जेस लगते हैं सेम आपके भी उतने चार्जेस यहाँ पे लगेंगे। ठीक है जी, तो अगर आप इसको एटीएम पे यूज करते हो तो सोच समझ के यूज करना जी, क्योंकि आपको जो है चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे जो भारत पे का क्रेडिट ऑन कार्ड एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ही आसान है, कोई खास नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 या 3 स्टेप में ये एक्टिवेट करके दे दिया जाता है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अगर गाइस ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत पसंद आई तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करिए। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।